नमस्ते, कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग? आशा करते हैं कि आप सब लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम खूब बढ़िया से होंगे। सो फ्रेंड्स, देखिए आज मैंने अपना लुक एकदम से चेंज कर दिया है। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। पिछले हफ्ते मुझे जो पार्सल मिला था, आज मैं उसका रिव्यू करने वाली हूँ। तो वो पार्सल मुझे मिली थी अमेजिंग फैक्ट्री की तरफ से, जिसमें बहुत सारी साड़ियाँ थी और बहुत ही प्यारी प्यारी साड़ियाँ थी। उसमें से ये एक साड़ी मैंने पहने हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये साड़ी आपको कैसी लग रही है और आज का मेरा लुक भी कैसा लग रहा है। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं उन साड़ियों को आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों देखिए, इसमें जो साड़ियाँ हैं वो एक ये साड़ी है, जिसकी कलर बहुत ही अच्छी है और इस पे जो है कढ़ाई की हुई है। मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ। इसमें छोटे सितारे और रेशम की कढ़ाई की हुई है, जो कि इसका कलर, और ये देखिए इसका जो है पूरे साड़ी पे इस तरह के ये लुक्स देखिए दे रहे हैं। देखिए, और ये पूरे साड़ी पे है। नीचे का जो पार्ट है वो पूरा इस तरह से है, और जब इसके ऊपर हम आते हैं साड़ी के हाफ पार्ट में, तो मैं खोल के देखती हूँ इसके पूरे पार्ट में है। जी नहीं, ये जो पूरी साड़ी है, पूरे साड़ी जो है पूरा ऊपर से लेके नीचे तक जो है इसमें कढ़ाई और ये सितारे जो है लगे हुए हैं। तो इसका जो है कलर है वो हल्की सी आसमानी है। और मैं बता दूं, ये कोई लाइट में वीडियो नहीं बन रहा है, ये ओरिजिनल लाइट में बन रहे हैं, यानी जो प्रकाश होता है रियल, मैं उस रियल प्रकाश में इसे बना रही हूँ। ये एक साड़ी है और इसका ब्लाउज भी है, ये इसका ब्लाउज पीस है। और एक साड़ी ये है, ये साड़ी, इस साड़ी का कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और बता दें दोस्तों, गर्मी आ गई है और ये डेली यूज के लिए बहुत ही अच्छी साड़ी है। ये देखिए, ये डेली यूज के लिए है। देखिए, और ये जो साड़ी है आप इसे डेली यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए, ये जो है इसका, ये इसका ब्लाउज है, ये देखिए बहुत ही प्यारा इसका ब्लाउज है। इस साड़ी पर ये ब्लाउज जो है बिल्कुल बहुत जो है अच्छा लुक देने वाला है। और ये डेली यूज के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल है। इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है, इसको किसी भी तरीके से हम जो है धुल सकते हैं, मुलायम कपड़ा है। ये जो है इसका कलर भी मुझे बहुत पसंद आ रहा है, हल्का सा पीला लिए हुए है। ये कपड़ा है, क्रीमी कलर है। और एक साड़ी ये है जो रानी कलर में है, और इस पे भी इसके किनारों पे जो है कढ़ाई की हुई है, जो इसके किनारे हैं, यानी ये जो बॉर्डर होते हैं ये बॉर्डर हैं। ये देखिए, ये डेली यूज के लिए भी ये साड़ी बहुत अच्छी है। आप इसे डेली यूज, और इसे किसी भी तरीके से इसे धोया जा सकता है। तो एक साड़ी ये है। तो बता दें दोस्तों कि इन साड़ियों को लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो है सारे लिंक दे दिए हैं। आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे देखिए और वहाँ पे अपने पसंद के कपड़े आप खरीद सकते हैं। और बता दें, ये सुविधा देती हैं कि आप जो है अगर आपको नहीं पसंद आता है तो रिटर्न की पूरा जो है सुविधा इनके पास है। तो एक साड़ी ये है, और उसके बाद एक साड़ी हमारे पास है जो है बिल्कुल नेट की है, पूरा नेट है इस साड़ी में। और ये देखिए, अगर आपको जो है पार्टी वियर के लिए ये बहुत अच्छी साड़ी है, लेकिन इसमें है कि ये पूरा जो है नेट लगा हुआ है और पूरे साड़ी के किनारे पे इस तरह के फ्रिल लगे हुए हैं। मैं इसे एक बार इस तरह से डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है इस तरह के, ये पूरे फ्रिल लगे हुए आएंगे और ये साड़ी पूरी नेट है जो है। तो जो जिनको नेट पसंद आती हैं तो उनके लिए ये काफ़ी बेहतर है। इसकी लाइट भी अच्छी लग रही है, पार्टी में पहना जा सकता है, बट ये काफ़ी ज़्यादा जो है नेट लग रहा है मुझे। तो हमारे यहाँ तो इस तरह के कपड़े अलाउ नहीं है, बट जो लोग पसंद करते हैं तो उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है, ये अच्छा लुक दे सकता है। तो चलिए दोस्तों, ये चार साड़ियाँ हमने आपको दिखाए हैं। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी, और अगर आपको खरीदना है तो आप इनके वेबसाइट पर जाइए। मैं सारे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। तो चलिए, आज का ब्लॉग भी शुरू करते हैं।
हेलो नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राम नाम, राधे राधे। तो देखिए सुबह हो गई है और मैं एकदम से तैयार हो गई हूँ और मैं जाऊँगी स्कूल। तो ये देखिए मम्मी हैं। हेलो नमस्ते जी। देखो भैया, हम बना रहे हैं रोटी। अनु को हो रहा है लेट, अनु का पेपर शुरू हो गया है तो फाइनल एग्जाम है भैया, तो अनु से ही पूछ लीजिए बढ़िया से पढ़ाई वढ़ाई की है कि नहीं, तो पेपर कैसा जा आज रहा है। आज मेरा मैथ का पेपर है और मैथ का मैं पूरा रिवीजन कर ली हूँ। कल किस चीज का पेपर था? कल साइंस का था और साइंस मेरा बहुत अच्छी तरीके से गया है। बस देख लीजिए अनु का साइंस का पेपर बढ़िया गया। दो क्वेश्चन छोड़े हैं, वो लर्न नहीं था, बहुत हार्ड था, इसलिए अरे बाप, दूसरे क्वेश्चन भी छोड़ दिया तो तो बढ़िया फर्स्ट आ कैसे जाऊंगी। होगा। हाँ फर्स्ट आ जाऊंगी तो मम्मी चल तो मुझे भैया देख साइकिल लो, ठीक दिलाएगी। करवाओ तो कैसे कुछ। तो दोस्तों देखिए 9:30 बज गया है और खाना बनाने के बाद देखिए हम कोई काम नहीं किए, हम बस यही देखिए टीवी में देख रहे हैं। इस वक्त जो है गिनती चल रही है, वही तो देख रहे हैं कि किसकी सरकार कहाँ बनने वाली है। तो भैया हमारे यूपी में तो योगी जी की सरकार बन जाएगी पक्का जो है, तो उनको बहुत बहुत भाई बधाई। योगी जी अच्छा काम करें यही उम्मीद है, अच्छा करते भी आए हैं और आगे भी ये बेहतर करेंगे। तो चलिए हम अपना सारा काम रोक के जो है यही देख रहे हैं, कहीं यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है जो है, वोटिंग देखने का जो देख रहे हैं, ये सब जो रुझान आ रहे हैं। तो भैया हार जीत का फैसला तो हो गया और देखिए हम आ गए हैं छत पे। आज बता दे, आज अभी हम नहाए खाए भी नहीं हैं, हमको भूख भी नहीं लग रहा है जो है, लग गए हैं कामों में उतना देर तक कि 11 बजे तक तो हम वह देखते रह गए चुनावी रुझान उसका। देखिए आ गए छत पे, देखिए है गेहूँ धो रहे हैं, गेहूँ धुल के डाल दे, आटा नहीं है तो इस करके खाली होते ही बहुत बज रहा है, 2 बजने वाले हैं तो चलेंगे तो नहाएंगे खाएंगे अभी। देखिए अभी देखिए पेड़ पे इतना कपड़ा टांगे हैं, देख रहे हैं इतना कपड़ा टांगे हैं, वो जाड़े वाली भी सब स्वेटर वगैरह है ना, तो सोच रहे हैं कि एक एक दो दो फेर रोज करके धुलते जाएंगे तो सब खत्म हो जाएगा और सब जो है डाल दें। किचन का वीडियो शूट करने वाले थे, देखिए वो नहीं कर पाए। 10 दिन बच्चों का स्कूल हो जा रहा है पेपर, और पेपर दे के आते हैं ये सब तो बच जाता है 12 बजे खेत में वीडियो शूट नहीं हो पाता है, तो बड़ा असमंजस में पड़े हैं। हमारा किचन का कैसे चैनल जो है चलेगा, तो देखिए तैयार हो गया है खेतवा में चना, बहुत बढ़िया तैयार हुआ है। निमोना बनाए थे बहुत बढ़िया बना है, तो मन सोच रहे थे कि निमोना की रेसिपी आप लोग को शेयर करें, उसका निमोना बहुत अच्छा लगता है, मटर से कहीं ज़्यादा अच्छा जो है चने का निमोना लगता है। तो देखिए अगर मौका लगेगा तो आज नहीं तो कल जो है इसका वीडियो पूरा बनाएंगे, पहले से भाई गेहूँ धो के डाल दें। तो लीजिए भैया गेहूँ तो धुल लिए, इसको फैला दें, 2 बज गया जो है, इसको धोने में ही अभी चल रहे हैं कपड़ा धोने। देखिए आज क्या करते हैं, दिन बड़ा हो गया है लेकिन हम लोग के लिए कौनो बड़ा नहीं हुआ है, हम लोग के लिए जैसे सब दिन वैसा ही, बस खाली इतना होता है कि भाई धूप लग रहा है, बस जाड़े में धूप नहीं लगता है, बस यही होता है खाली, और हम लोग के लिए सब एक के बराबर, जैसे टाइम ही नहीं मिलता है हम लोग को कि हम लोग को कभी लगे कि हाँ यार दिन बड़ा हो गया है, कुछ अलग हो गया है, कभी नहीं। तो चलिए भैया देखिए संझा हो गया है, संझा माने शाम हो गया है, ये वक्त बज रहा है 5:30, आ गए हैं छत पे। तो जो गेहूँ देखिए धूल के डाले हैं, चलिए ये सब बटोर लेते हैं, बच्चे तो कोई है नहीं, सब चले गए हैं कोचिंग, आते ही होंगे सब कोचिंग से, लेकिन हम इसको उठा दे नहीं, जो हमारी गिलरियाँ ना वैसे भी देख रहे हैं सब आधा कर दी हैं, लग रहा है कबूतर खाए हैं का, सब कबूतर के पंजों का निशान है, अधिया दिए हम नीचे जाके काम करने लगे, और सब देखिए अधिया दिए। अरे देखिए चिप्स भी हमारा सूख गया है, जो चिप्स हम बनाए थे कल, वाह चिप्स तो सूख गया है, बड़ा बढ़िया चिप्स बना है। एक मित्र कह रही थी कि वो प्राकृतिक कलर इस्तेमाल कीजिए और मार्केट का कलर नहीं, आप सही कह रही हैं, प्राकृतिक कलर में जैसे कि था खेत में चुकंदर वगैरह हम ला नहीं पाए तो कलर रखे हुए थे तो वो डाल दिए, लेकिन कोशिश यही है कि अगर प्राकृतिक कलर यूज किया जाए तो बढ़िया है जो है। चलिए इसको बुलिया देते हैं, माने इसको बटोर कर रख देते हैं, कल मौका लगेगा तो कुछ और बनाएंगे।
तो भैया चलिए हम चल रहे हैं खेतों में, और देखिए यन्नु आ गई है कोचिंग से। कर रहा है ये पापा रहा है, तो इसमें पापा हैं खेतों में, ये सब इनके पापा जो है खेतों में। देखिए कल जो सिंचाई हम कर रहे थे, रतिया हो गया था तो थोड़ा सा रह गया था, यानी मटर जो है मटर की सिंचाई करनी है, मटर में बहुत बढ़िया फूल आ गया है। चल रहे चलिए पास से आपको मटर दिखाते हैं। यन्नु भी चल रही है, इनके पापा आए हैं तो ही पाइप आज फैला रहे हैं, लाइट आ गया है तो पानी जा रहा है खेतों में। हम चले थोड़ा घास वास निकालेंगे, खेतों का थोड़ा सा काम कर लें। देखिए सारा मिर्च जो है हमारे खेतों में पक गया है, बैक कर देखिए खेतों में जो मिर्च है सब कैसा लाल लाल एकदम पक गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन एको मिर्च तीखा नहीं है, ये सब मौसम परिवर्तन हो रहा है तो मिर्च तीखे नहीं है। बता दें कि जब मौसम चेंज होता है ना, जब भी मौसम चेंज होगा और दूसरा मौसम जब आएगा तो उस वक्त मिर्च में जो है तीखापन नहीं रहेगा, और जो तीखापन रहेगा वो ख़त्म हो जाएगा। देखिए पाइप को जो है फैलाना है मटर में, इतना बढ़िया मटर होगा इसका हमें जो है एकदम से अंदाज़ा नहीं था, इतना बढ़िया मटर होगा। इतना बढ़िया मटर सच बताए तो जाड़े में नहीं था, जितना बढ़िया मटर इस वक्त हुआ है ये गर्मी में जो है। जो बीज थी मटर की बहुत अच्छी क्वालिटी की बीज है, ये दूसरे क्षेत्र की मटर थी हम बताए थे ना जो है, और देखिए कितना बढ़िया एकदम घना मटर एकदम तैयार हुआ है। अरे ये कहाँ का मटर है हम देखो भूल रहे हैं, चलिए पाइप फैलाने में मदद कर दो। अनु 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 कितने आराम से बजा ले रही है मम्मी का, देखिए तो चलिए भैया देखिए जो हम सिंचाई किए थे इधर खेत में उसमें ये जो है देखिए यूरिया फेंक देते हैं। एक मित्र पूछ रहे थे कि जो हम बोए हैं नेनुआ वगैरह सब दिखाएं, तो ये वाले मेड़ पर नेनुआ है, इसमें धनिया है, तो सिंचाई किए हैं तो ये थोड़ा सा खाद फेंक दे, थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाए तो फिर दिखाई देगा। Thank you.
भैया देखिए अंधियार हो गया है और हम चल रहे हैं यहीं से लेंगे सब्जी। अंधियार माने अंधेरा हो गया है, अंधेरा हो गया, सच्ची में अंधेरा हो गया है। चंद्रमा दिख रहा है, देखिए मेरे सर पे एकदम चंद्रमा है, देखिए तो चंद्रमा दिख रहा है। तो हम चले सब्जी, सब्जी हम का लेंगे, खेतों में है पत्ता गोभी ले चल रहे हैं। देखिए पत्ता गोभी सब ख़राब हो जा रहा है क्योंकि हम बैक करके दिखा रहे हैं, पत्ता गोभी सब ख़राब हो रहा है। तो देखिए यही सब है पत्ता गोभी ना है, तो हम यहीं से पत्ता गोभी ले चल रहे हैं, इसी की बनाएंगे सब्जी और रोटी। दो ठो तो काफ़ी है, दो ले चल रहे हैं।